नमस्कार, आप देख रहे हैं मुझे नेहा खन्ना को इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स पर। आज बात करते हैं आईपीएल की। जी हाँ, वही क्रिकेट टूर्नामेंट जिसकी लोकप्रियता साल दर साल बढ़ती चली जा रही है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सारे ही क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ जो हैं और बाहर के कई देश में, ख़ासतौर पर जो युवा हैं उनमें लोकप्रियता इस आईपीएल को लेकर बढ़ती ही जा रही है। कोई भी एस्पायरिंग क्रिकेटर आज की डेट में आईपीएल का हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि उससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म लोग मानते हैं कि शायद अपने टैलेंट को निखार के लाने के लिए नहीं है। तो इसीलिए आईपीएल हमेशा सुर्खियों में रहता है। लेकिन आज हम आईपीएल की बात क्यों कर रहे हैं, उसका एक खास कारण है। खबर ये आई है कि मुंबई इंडियंस ने, जिसने हाल ही में अपना चौथा आईपीएल टाइटल जीता है, उन्होंने फैसला किया है अपने एक प्लेयर की अदला बदली करने की। किसके साथ? दिल्ली कैपिटल्स के साथ। अब दिलचस्प बात यह है कि मुंबई इंडियंस ने फैसला किया है कि मयंक मार्कंडे, जो कि उनके लेग स्पिनर रह चुके हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन इस आईपीएल में ज़्यादा खेल नहीं पाए, उनको कुछ इंजरी भी हो गई थी, और उसके अलावा राहुल चहर जो उस टीम में है उनका बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा इस आईपीएल में, जिसकी वजह से मयंक मार्कंडे को ज़्यादा देर तक बेंच पर बैठना पड़ा। अब मुंबई इंडियंस ने फैसला किया है कि मयंक मार्कंडे को वो दिल्ली कैपिटल्स को दे देंगे और उनकी जगह उनको मिल रहा है वेस्ट इंडीज़ का बहुत ही बढ़िया शानदार ऑलराउंडर शफेन रदरफोर्ड। जी हाँ, रदरफोर्ड अपनी बैटिंग स्किल्स और बोलिंग स्किल्स के लिए माने जाते हैं, कंप्लीट ऑलराउंडर हैं जिन्होंने हाल ही में अपने आप को काफ़ी अच्छी तरह प्रूव किया है। तो लगभग देखा जाए तो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि मुंबई इंडियंस का तो ये बहुत ही अच्छा मूव रहा है। एक लेग स्पिनर ऑलरेडी उनके पास बहुत अच्छा है, राहुल चहर, जिसका प्रदर्शन इस आईपीएल में बहुत अच्छा रहा है, मयंक मार्कंडे की शायद उनको ज़रूरत नहीं थी, तो उन्होंने उसको दिल्ली कैपिटल्स को देने का फैसला किया है। लेकिन सवाल ये उठता है, और कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल्स को क्या सूझी कि उन्होंने तीसरा लेग स्पिनर अपनी टीम में शामिल करने का सोचा। ये हम आपको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अमित मिश्रा और संदीप लामिछाने, जो कि नेपाल से आए हैं, ये दो ऑलरेडी उनकी टीम में हैं दिल्ली कैपिटल्स में, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, दोनों लेग स्पिनर हैं, इस हाल ही में टूर्नामेंट में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया है। तो सवाल ये उठता है कि जो तीन लेग स्पिनर्स अब दिल्ली कैपिटल्स में आ गए हैं, उसका ये टीम करेगी क्या? क्या ये सही फैसला है अगर दिल्ली कैपिटल्स वाकई में ये चाहती है कि अगले आईपीएल टाइटल की दावेदारी उनकी हो, तो क्या उस नज़रिए से ये सही फैसला है? उस पर शायद एक सवालिया निशान लग गया है। लेकिन जहां तक मुंबई इंडियंस की बात है, विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक बहुत ही बढ़िया फैसला है, जो कि ना सिर्फ उनकी टीम को और बहुत मजबूत बनाएगा, लेकिन शायद ये मुमकिन है कि मुंबई इंडियंस, जो अभी तक 4 आईपीएल टाइटल पहले से ही जीत चुकी है, वो शायद इतनी मजबूत हो जाए इस फैसले के बाद कि 2020 का टाइटल भी हो सकता है वो अपने नाम दर्ज कर पाए। खैर, 2020 के आईपीएल में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो खिलाड़ियों की अदला बदली हो रही है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, इसने एक दिलचस्प बहस शुरू कर दी है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए टू आवर चैनल इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स।